एवरीवन, मैं सदा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चिकन की कांडी। चपटी कांडी है ये बहुत ही लजीज बनती है, यहाँ मुंबई में तो बहुत फेमस है। तो यहाँ की रेसिपी के साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी, स्पेशल ख़ास मेहमानों के लिए मेरे साथ ख़ास रेसिपी मैं आपके साथ जा रही हूँ शेयर करने। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर हमें चाहिए बोनलेस चिकन। यहाँ पे हम लोग पीसेस करके, ऐसे लंबे लंबे पीसेस करके अच्छे से धो के चिकन लेंगे। और चिली फ्लेक्स चाहिए हमें, और हरा धनिया चाहिए, हरी मिर्ची चाहिए 8-10, लहसुन चाहिए और अदरक चाहिए। इन सब का पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, पेस्ट बनाने के बाद हम चिकन में सबसे पहले हमारा पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। 1 टीस्पून गरम मसाला लेंगे और हम इसमें 1/2 नींबू ऐड करेंगे। नींबू ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, आपको जितना स्पाइसी पसंद है उतना ही डालिएगा। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल रहे हैं, याद आया आपको? जी हाँ, नमक। नमक के बिना तो हर खाना कितना भी जायकेदार हो टेस्टलेस हो जाता है। तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको 2 घंटे के लिए आप ऐसा ही छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। ये जितना ज़्यादा देर तक मैरिनेट होगा उतना ही टेस्टी बनेगा, जूसी बनेगा। तो 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे फ्राई करने के लिए, यहाँ पे हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, अंडे और कांडी स्टिक्स। कांडी स्टिक्स को हम ग्लास में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम कांडी में चिकन के पीसेस को लगाएंगे। ये देखिए, जैसे मैं लगा रही हूँ आपको ऐसे ही लगाना है, लंबा लंबा। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको लगाना है। अगर आपकी कांडी में 3 पीस आ रहे हैं तो आप 3 पीस भी लगा सकते हो। उसके बाद हाथ से आपको दबाना है और ब्रेड क्रम्स में लपेटना है। मैं पास से आपको दिखा दे रही हूँ, इस तरीके से कुछ हम लोगों को करना है। हाथ से आप जितना उसको प्रेस करोगे उतना अच्छा चपटी हमारी कांडी बनेगी। तो ऐसे चपटा करके ब्रेड क्रम से बहुत अच्छी तरीके से कोट करना है इसको। अब हम इसको साइड में रख देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी कांडी भी कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि ब्रेड क्रम्स में लपेटने के बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए, ये आपके ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ही आसानी के साथ बनता है ये, उसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करिए। मुंबई में तो ये बहुत फेमस है, रमज़ान स्पेशल समझ लीजिए, हर जगह ये ज़रूर मिलता है। कोटिंग हमें बहुत अच्छे से करनी है और प्रेस भी हमें उतना ही अच्छी तरीके से करना है। तो ये हमारी कांडी बनके तैयार हो गई है। अब हमें बस फ्राई करना है अंडे में डिप कर करके। तो ये देखिए, एक कांडी उठाइए, अंडे में अच्छी तरह से इसको डिप करिए।
अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेल मैंने पहले से ही गर्म होने रख दिया था। इसी तरीके से हम दूसरी कांडी को भी डिप करके अंडे में फ्राई करेंगे। कोटिंग अच्छे से करनी है जिससे हमारा चिकन अच्छा क्रिस्पी बने। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है और जो बाकी की स्टिक्स है उसको मैं फ्रिज में स्टोर कर दूंगी। ये मैंने समोसे भी बना के रखे थे, मैं पहले से ही बना के रखती हूँ। इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है आपको चैनल पे, आप देख सकते हो जाके। अब हम ये कांडी को फॉइल पेपर पे रैप करके कंटेनर में डाल के फ्रिज में डाल देंगे और इसको आप एक हफ्ते तक स्टोर कर सकते हो। इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, ये बेहद ही लजीज लगती है। मेरे कहने पे एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही लाजवाब होती है। हमारी कांडियाँ तो फ्राई हो ही रही हैं, साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट जाके सब्सक्राइब करिए, और जिसने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है वो ज़रूर ऑन करिए जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। तो ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी टेस्टी वीडियो को ट्राई करते रहा करिए, और हमें कॉमेंट में ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।